स्वागत। नमस्ते। हाय बंटी। अरे दीदी कमाल के फैन है मेरे पास। कमाल है। सबसे बेहतरीन हाथों से बुने हुए कालीन। हाथों से बुने हुए कालीन लीजिए। स्वादिष्ट खजूर ताजे अंजीर। बंटी की मां तुम्हें चाय हुई अब मैं कर दूंगी। भाई और बहनों पूरब की सबसे स्वादिष्ट कॉफी। जो जीता वही सिकंदर। ब्रेडिंग तरह उठने तो दे। इतना अच्छा सपना देख रहे थे। का अद्भुत शहर था। काश तुम भी देख पाती। इतने सारे अच्छे अच्छे लोग इतनी सारी चीजें दे रहे थे। वो खुशबू का कमाल की जगह थी। ओह अलग ही दुनिया थी। बिल्कुल नीले पहाड़ों की ओर और उनके आगे भी न जाने कितनी बड़ी दुनिया है जो हमने कभी न देखी न सुनी। ओ ऐसी मजेदार दुनिया देखने का हमारा बहुत मन है। कितना मजा आएगा अगर हम वो दुनिया साथ देख सके। बकरवा और बंटी की बेमिसाल जोड़ी दुनिया हमारी मुट्ठी में। बकरवा ओ भैंस की आँख। अरे बकरवा पहले क्यों नहीं बोले। दूध नहीं निकाला अभी तक। माँ की डांट तुम ही खाना। भाग बकरवा भाग। ध्यान से बेटा, तुम्हारी तूफानी हरकतों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। दरवाजे के पास किसने बोला है बैठने को? कहीं और नहीं बैठ सकते थे का? और बंटी बेटा कितनी बार तुम्हें बोला है अंधेरा होने से पहले घर आ जाया करो। दूध ना निकाला तो बेचारी बकरवा फट जाएगी। मेरी प्यारी बक्को। बंटीवा सिलाई सीखने का वक्त आ गया है। पर हमें नहीं लगता हमसे हो पाएगा। ये लो कोशिश तो करो जल्दी सीख जाओगे। ओ धागा बहुत लंबा है पिताजी और हमारे पास कानून के हाथ हैं। चलो बच्चों शोरबा तैयार है। शोरबा लाजवाब। ये लीजिए। भगवान कितनी बार बताना पड़ेगा कि बकरियां पहाड़ी घास खाती हैं। देखो बेटा पैसे नहीं सिल रहा मैं जो बकरवा रानी इस तरह हमारे साथ बैठ के पकवान खाए। पिताजी बकरवा कोई मामूली बकरी नहीं है, हमारी बहन है। तुम्हारी बहन? कैसी बातें कर रहे हो? अगर बकरवा तुम्हारी बहन है तो तुम्हारी माँ तो फिर तुम्हारी माँ क्या? हाँ पर अगर आपको इतनी तकलीफ है तो आप हम बच्चों से आजाद हो सकते हो क्योंकि बंटी और बकरवा आजाद दुनिया की उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। क्यों बकरवा? बंटी उस बाहरी दुनिया में कछु ना ही तुम्हारे लिए। शहर के चकाचौंध और गांव की सादगी का कोई मेल नहीं। तुमने खजूर वाले शोरमा खाए कभी? नहीं ना। वही तो हमका बस दुनिया देखनी है। बंटी कोई दुनिया नहीं दिखेगी तुम्हें। तुम्हें यहाँ रहकर सीना सीखना है। दर्जी की दुनिया जीनी है अपने पिताजी की तरह। नहीं मुझे नहीं चाहिए ये दुनिया। हाँ तुम्हें यही चाहिए। नहीं हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, नहीं करना पड़ेगा। बंसी बच्ची की ख्वाहिश है सुन तो लो। मुझे और कुछ नहीं सुनना। तुम यहाँ रहोगे और दर्जी बनोगे बात खत्म होती है। दर्जी तो हम बनने से रहे पिताजी। आप भूल जाइए हम ये नहीं कर सकते और वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं होता है। हमें बकरवा का ख्याल रखना होता है। लेकिन अगर कोई और ख्याल रख सकता है तो फिर सोचा जा सकता है।
चलो हम सोने जा रहे हैं। चल बकरवा। चलो, सोच तो रहा है दर्जी बनने का, और कह भी सही रहा है, बकरवा का ख्याल रखने वाला कोई तो चाहिए। ए आशा, मेरी प्यारी आशु, अपनी प्यारी बकरवा का ख्याल रखना चाहोगी? तुम्हें तो वैसे ही जानवर से प्यार है। भूल से भी ना सोचना बंसी, हमारे पास कम काम नहीं जो हम बकरवा के पीछे भागते रहे। काहिल मियाँ का कुर्ता वापस करके आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम काहिल भाई जान। वालेकुम अस्सलाम, इतना बेहतरीन कुर्ता कहाँ ले जा रहे हैं? तोहार ही है ना काहिल मियाँ? अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं पैसे लेकर आता हूँ। ना ना ना, नहीं मियाँ, पैसों की कोई जरूरत नहीं। क्या कहा, मुफ्त में? कहीं इसके बदले तुम मुझसे कुछ और तो नहीं चाहते हो ना? नहीं, मैं आपके सारे कपड़े मुफ्त में सिला दूंगा अगर आप मेरी बकरी का ख्याल रखें तो। ओह हाँ, समझ गया। वैसे मेरी दुकान में ज्यादा कोई आता जाता तो है नहीं, तो एक बकरी का ख्याल रखना हाँ चलेगा, और फिर तुम्हारा लड़का भी तो दुनिया घूम पाएगा। माफ करना, मैंने जरा तुम्हारी थोड़ी बातें सुन ली, आखिर पड़ोसियों का और काम होता ही क्या है। नहीं नहीं मियाँ, वो तो हमने तय कर लिया है, बंटी यहीं रहेगा और अपने पापा के साथ दर्जी बनने की शिक्षा लेगा, और वो दुनिया देखने के बकवास सब भूल जाएगा। देखो कैसे पता आगे क्या होगा। सब बखैर मियाँ, और शुक्रिया बकरवा के लिए। अच्छा, बच्चे की मदद करनी ही पड़ेगी, उसका सपना पूरा करना पड़ेगा, पर ये होगा कैसे? सुबह हो गई बेटा, सुनहरे दिन की सुनहरी सुबह, आज बहुत बड़ा दिन है। बड़ा दिन? हाँ, आज से दर्जी बनने की शिक्षा शुरू। काहिल मियाँ बकरवा का ख्याल रखने के लिए मंजूर हो गए। अब सीखने के बाद बिजनेस तुम्हें तो संभालना है। अब जब तुम हमसे सीखोगे, हम खुद को बुला सकते हैं दर्जी शिक्षक। कैसा लगा? आपने ठान लिया हमारी बात नहीं सुनेंगे? हमें ये सब नहीं करना है, हमें दुनिया देखनी है। बंटी बेटा, बाहरी दुनिया अच्छी जगह नहीं है, हमारी बात सुनो और मानो। आपको कैसे पता? आपने देखी है? हमने तो नहीं, पर हमने पढ़ा है। हमें दर्जी नहीं बनना है, बस कह दिए हैं। चल बकरवा। बकरवा, तू न होती तो हमरा क्या होता। ओ पागल बकरवा, प्यारी प्यारी। क्या हुआ बेटा, किसी ने तुम्हारी मिठाई खा ली क्या? नहीं चाचा, हमरे पिताजी हमें कहीं नहीं जाने देते, वो नहीं चाहते कि हम दुनिया देखें, पर वो हमारा सपना है चाचा, अब हम क्या करें? पता नहीं, अब पैदल तो नहीं देख सकते ना। हाँ, अगर हमारे पास पहिए होते या पंख होते तो शायद सोच सकते थे। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। चलो आओ मेरे साथ बेटा। यहीं कहीं तो था शायद, अब मुझे याद भी नहीं कहाँ रख दिया, क्या हो गया है मेरी याददाश्त को। कहाँ है? ओ नहीं नहीं, ये नहीं है। कहाँ रख दिया, किधर है? उका है बकरवा, वो देखो। नीलक नीलक राधी एहुक नीलक। ई तो जिंदा है।
हाँ तुम ऐसा कह सकते हो कि ये जिंदा है, पर असली बात यह है कि ये उड़ सकता है। उड़ने वाला कालीन, वो हम ले सकते हैं? इस्तेमाल ही क्या, कुछ समय अपने पास रख सकते हो। अपने पास रख सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, तुम कुछ समय के लिए ये कालीन रख सकते हो अगर तुम। नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे नहीं मांगूंगा। अरे चाचा कुछ भी मांग लो। नहीं नहीं, ये खतरनाक हो सकता है। अरे चाचा हम खिलाड़ी से कम नहीं, बस हुकुम करो। अच्छा ठीक है, तो क्या तुम स्वर्ण पट की उड़ान भर के मेरे लिए हीरा ढूंढ सकते हो? स्वर्ण पट, हीरा, कुछ पल्ले नहीं पड़ा चाचा। स्वर्ण पट विकराल का शहर, बहुत ही अद्भुत जगह है। वहाँ के महलों में सोने के गुंबद हैं, पर बदकिस्मती से मुझे मेरे हीरे के बिना वहाँ से फरार होना पड़ा। ओह बहुत याद आती है। याद आती है? हाँ, माफ करना, हीरा मेरी नवासी है, मेरी छोटी सी प्यारी सी जान। उसके बगैर ही मुझे वहाँ से भागना पड़ा। विकराल जो मेरे पीछे पड़ा था, मुझे मगरमच्छों के मुंह में डालना चाहता था। मगरमच्छ? पर क्यों? मेरा जादुई कालीन चुराना चाहता था। उसके उड़ने की बेचैन आरजू मिटाने का सबसे आसान तरीका ये था कि वो मुझे ही मिटा दे। लफन डर कहीं का। बहुत कोशिश की कि किसी तरह मैं हीरा को वापस ले आऊं, पर फूटी किस्मत, अब तो बुढ़ापा भी आ गया है। लेकिन तुम तो तंदुरुस्त हो, जवान हो, तुम ये कर सकते हो। क्या तुम ये मेरे लिए करोगे? बोलो ना। हम करेंगे, का हम करेंगे, हाँ हम बिल्कुल करेंगे। हम आखिरकार दुनिया देखेंगे, उड़ान भरेंगे, जादुई कालीन पर सवार हो जाएंगे, ये। पर सुनो, ये बहुत जोखिम भरा काम है, ये वादा करो कि तुम अपना ख्याल रखोगे। हम वादा करते हैं, पर कालीन को काबू में कैसे रखते हैं? देखो इसमें थोड़ी मशक्कत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि कालीन की अपनी खुद की शख्सियत है, इसे दबे पाँव भी चला नहीं पाओगे। तो फिर कैसे? तुम जो भी करो उसे उलट देना। उलट देना? हाँ बिल्कुल, उलट देना, तुम होशियार जो हो। चलो बकरवा, आओ हमारे साथ। चिंता ना करें, हम संभाल लेंगे। शाबाश मेरे बच्चे, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। प्रणाम माँ, हम वापस आ गए। प्रणाम बेटा। प्रणाम पिताजी। तो तैयार हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं हम, स्वर्ण पट की ओर उड़ान भरने के लिए। स्वर्ण पट? हाँ। नहीं, अच्छा बढ़िया है। और ये मीलों दूर का फासला कैसे तय करने वाले हो आप बंटे जी, बताएंगे जरा? हम वहाँ जाएंगे उड़कर। उड़ के? सुना तुमने आशा, उम्र मेरी हो गई है, सठिया ये रहे हैं। बंसी क्या बोलना चाहता है सुन तुम। हाँ, बस ये कुछ मत कहो, हम बताते हैं। तुमने गर्म हवा का गुब्बारा सी दिया है, अरे पर तुम्हें तो सीना ही नहीं आता। तब तुमने चमगादड़ों को सिखाया? गरुड़। हाँ गरुड़ में ज्यादा वजन है, तुमने गरुड़ को सिखाकर उसे अपना पालतू बना लिया है, जो तुम्हें सात समुद्र पार उड़ा ले जाएगा स्वर्ण पट के ओर, संतरों की बाजीगरी और राष्ट्रीय गीत गाते हुए। एक पैसे से चूक गए, हम जाने वाले हैं उड़ती कालीन पर। उड़ती कालीन? बेचारा बंसी बापू का इकलौता लड़का बावला हो लिया ऐसा, चकरा देने वाला पागल खाने का मरीज, आंखों के सामने अंधा हो लिया, देखा तुमने? बकवास बंद करो बंसी। तो तुम भी शामिल हो, चलो बढ़िया है। चलो पूरा परिवार ही आगरा की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा है, तो हम काहे लाइन काटे ना बाबा। तो बिटवा अगर तुम साबित कर दो कि तुम वो कालीन उड़ा सकते हो, तो प्यारे बिटवा जहाँ उड़ान भरनी है भर लो, हाँ चांद भी देखा। लेकिन अगर वो कालीन जमीन से ना उठा तो सुई धागा तुम्हारे हाथ में होगा, बोलो मंजूर है? मंजूर। कालीन का सीधा और पिछला हिस्सा कौन सा है? दोनों ही एक जैसे दिख रहे हैं, उलटना आसान तो नहीं लग रहा। चलो इस हिस्से से कोशिश करते हैं। उड़ जा कालीन। उड़ जा कालीन, उड़ जा।
अरे उड़ जा। उड़ जा बहन, उड़ जा, उड़ जा। अरे का तकलीफ है तेरी, उड़। ये काम क्यों नहीं कर रहा? चाचा ने हमसे कहा था कि इसे उलट देना, इसे उल्टा करने से कुछ होगा का? ओहो का हो रहा है? बकरवा, का कर रही हो? का बताने की कोशिश कर रही हो? तुम कह रही हो कि तुम उल्टा बोल रही हो और उल्टा चल रही हो, है ना? तो तुम चाहती हो कि हम उल्टा बोले? ठीक है, हम उल्टा बोल के देखते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है, ऐसे भी करके देख लेते हैं। तो उड़ जा कालीन, इसका उल्टा, उड़ जा कालीन का उल्टा, अच्छू नीलक। ओ अच्छा, हमें माफ करना कालीन कि हम तुम पर चिल्ला दिए, फिर से कोशिश करते हैं। अजदू नीलाक उड़ जा सिम सिम। उड़ा उड़ा कालीन, उड़ा बकरवा। देखिए चाचा, देखिए उल्टा बोलने में माहिर हो गया बंटी। बहुत खूब बच्चे। पर स्वर्ण पद कैसे ढूंढू? तुम्हें तो बस हाँ कालीन ही रास्ता दिखाएगा। तुम बस सूरज की ओर उड़ो। हीरा को वापस लाएंगे, वादा करते हैं। बढ़िया बच्चे, बस कालीन पे यकीन रखना। अलविदा पिताजी, स्वर्ण पद जा रहे हैं। अलविदा बेटा। अलविदा माँ। बेटा क्या तुम्हें सच में जाना? चिंता मत करो माँ, वापस आऊंगा। अब हम इसे किस मुंह से रोके? पर अपना ख्याल रखना हाँ बेटा। तुम तैयार हो बकरवा? चले तो चलो, चलते हैं। उड़ जा सिम सिम। स्वर्ण पट आ गया।
चलो बकरवा। वाह, ये तो बिल्कुल हमारे सपने जैसा है बकरवा। क्या देख रहा है रे? देख लेना। ऐसे क्या देख रहा है? चल चल। है तो हमारे सपने जैसा ही पर बिल्कुल अलग है। पकड़ो, चलो। अरे लड़के, हट रास्ते से। मुझे विकराल के कबूतरों को महल पहुंचाना है। अगर विकराल को कबूतर की चीप नहीं मिली तो मगरमच्छ को उनका खाना जरूर मिलेगा। चमक चलो। कैसी हो प्यारी चिड़ियों? अरे क्या कर रहे हो लड़के? कुछ नहीं, हम तो बस कबूतरों को देखना चाहते थे। बस देखना चाहते थे? नहीं, बस देखना चाहते थे नहीं, चोरी करना चाहते थे। अपने भूखे और नंगे नाली के कीड़े जैसे दोस्तों को बोलकर विकराल के पैसों से दावत खाना चाहते थे। ओह, ऐसी बात है? देखा, पता था मुझे मगरमच्छ का असली खाना मिल ही गया। पहरेदार चोर पकड़ा गया, जल्दी आओ। पर मैं, निकल में कहेंगे तो, चोर आए और ये तुम दबा कर भागे। देख, एक तरीका है अपनी जान बचाने का, ये कालीन मुझे दे दे। यह सब ठीक है, गलतफहमी हो गई थी थोड़ी, बस यही तो चाहिए था मेरी बीवी को। बहुत खुशकिस्मत है दोस्त, इतनी आसानी से जान बच गई। नहीं, छोड़ दो इसे, छोड़ दो, ये हमारा कालीन है। चोरी का माल है, तेरा तो भांडा फूटा, छोड़ दे कालीन को। नहीं नहीं नहीं, हमने कुछ चोरी नहीं किया है, हमने तो ये उधार में लिया है ताकि हम यहाँ उड़ कर आ सके। उड़ के? अगर ये कालीन सच में उड़ सकता है तो एक काम कर, विकराल को दे दे। तुझे सेनापति ना बनाया तो मेरा नाम बदल देना। क्या सोच रहे थे तुम? विकराल के कबूतरों पे गलती से भी हाथ नहीं डालते। घास चरने गई है क्या तुम्हारी? हाथ कटवाने का बहुत शौक है तुम्हें? थोड़ा तो दिमाग लगाओ। पता नहीं, जो भी विकराल के कबूतरों को छूता है उसे मृत्यु दंड मिलता है। नहीं। अच्छा, मतलब यहाँ से नहीं हो तुम? नहीं, हम तो एक छोटे से गांव से आए हैं, भाबुआ नाम है। पर कैसे? कैसे क्या, उड़ के आए हैं हमारे कालीन पर। उड़ के? हाँ। डिंग डोंग, कोई है घर पे? सिर्फ उड़ता हुआ गोबर। सुनो, अगर वो उड़ता कालीन है ना तो ये हमारे की चोटी। बैठने में तकलीफ जरूर होती होगी। हाँ हाँ, ओवर स्मार्ट मत बनो, एहसान है मेरा। एहसान? हाँ एहसान, जान बचाई है मैंने उल्लू कहीं के। हमें लगा तुम मदद कर रही थी। मदद? बिल्कुल नहीं, बेघर बच्चों का ठेका ले रखा है क्या मैंने? नेकी कर, जेब में डाल। तुम यहाँ रहती हो? आगे चलो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बंटी। मैं सुनहरी। अच्छा लगा मिलके। और ये हमारी बकरवा। प्यारी बकरी है। क्या हुआ? ओह, ये क्या कर रही हो तुम? गुल्लू चूहा बौखला जाता है नई महक से। जल्दी से छुपाओ, उसे गुल्लू आ रहा है। देखे तो राज बलि का बकरा क्या लाया है। नहीं, ऐसे कैसे मिल आंखें भर आई, आखिरकार मैं अमीर हो गया, अमीर। बासी पाव? मेरी सोन चिड़िया, तुझे कैसे पता चला मुझे बासी पाव कितना पसंद है? अच्छा,
उल्लू सीधा करने का समय आ गया। तुम्हें लगता है कि मैंने कोई मुफ्त फिराता आश्रम खोल रखा है? तुम बेचारे गली के बेघर बच्चों को तो हक है यहाँ रहने का। गलत, बिल्कुल गलत। वो नैया तो तब की पार हो ली जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कचरे के ढेर में फेंक दिया था, इससे पहले कि तुम्हें तुम्हारे आलिशान गटर का नामकरण हो गया, इससे पहले कि दाखिला हो, थोड़ा घुटनों पर जोर लगाओ। चलो कुछ तो असर हुआ, आगे बढ़े मोहतरमा, आपकी आज्ञा हो तो क्या बताएंगी कि आपके पीछे उन उंगलियों में क्या है, क्या फिर ये राजी रहेगी? चलो देखते हैं क्या है, दिखाओ। ये बहुत हुई लुका छिपी। अरे चांद का टुकड़ा आया, राजकुमार और उसका महान बकरा। ओ, ओ सलाम, बत्तीसी तो देखो इसकी। नुमाइश के लिए कुछ और पेश किया जाए, अगर नहीं तो जहां पना अपने महल की ओर प्रस्थान कर सकते हैं, वरना इस हड्डियों के ढेर के गुलौटी कबाब बनते। देखो हमारे पास दूध है, स्वादिष्ट ताजा बकरी का दूध सबके लिए। ठीक है, ये तो ठीक है पर काफी नहीं। पर मेरा अंधविश्वास कहता है कि ये वीर दूध वाले के अलावा भी कोई भेंट मेरा इंतजार कर रही है। रुको अभी आई। हाँ? नहीं रुको, वो हमरा है। कालीन, बस इसी की तो कमी थी, मीठे में पुराना धूलधार कालीन, वाह लजीज। मेरे तो सौभाग्य खुल गए जो मुझे ऐसा बदबूदार मैल भरा भोजन नसीब हुआ। चू तक नहीं चाहिए मुझे, शांति में मटन खाना है, समझे? तुमने तो कहा था तुम्हारा नहीं है। हाँ हाँ, हमें पता है, हमने ये उधार में लिया है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि ये तुम्हारा है। अच्छा, तो तुमने उड़ती कालीन किसी और से उधार ली है? हाँ। किससे? माहेश्वरी के बाहुबली से? विश्वास करो या ना करो, हमने तुम्हें दूध दे दिया और एहसान चुका दिया। कभी भूख नहीं चखी है ना? चखी है? तुम्हें बड़ा पता है, चखी है नहीं। हाँ हमने चखी है। पर क्यों? चारों ओर कितना अन्न है, तो भूख से क्यों मरना? मैं बताती हूँ, वो गेंडे का बच्चा विकराल अगर सब खा जाएगा तो हमारे लिए क्या बचेगा? पर अगर उसके पास इतना सारा है तो वो तुम्हारे साथ बांट क्यों नहीं सकता? बांटेगा, और वो नहीं, कभी नहीं, वो तो सिर्फ लेते ही रहता है, हवा खा के थोड़ी ना भैंसा हुआ है। चुप! बहुत वह शांति चाहिए। शुभ रात्रि। अच्छा हम चलते हैं, वो हमें जरा कुछ काम है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। भोले भंडारी, अपना ख्याल रखना। हाँ बिल्कुल। अब तो खोज कल ही कर पाएंगे बकरवा, ठीक है ना? पर पहले सोने की कोई अच्छी सी जगह ढूंढ लेते हैं, ये तो ठीक नहीं है। सितारों की नीली चादर कैसी रहेगी? राजकुमार और उसकी महान बकरी, क्यों बकरवा? उड़ जा सिम सिम। अजदू नी नीलू अजदू अजदू शिवरात्रि बकरवा, शिवरात्रि कालीन। और सुनो, तुमने आज हमारी बहुत मदद की, शुक्रिया। कालीन छीन के उस घिनौने आदमी को दिया था। चलो बकरवा।
विकराल का महल है, कोई सब्जी मंडी नहीं। कल पैदा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, वो पर वो क्या? मैं मियां मीठू नहीं बनना चाहता, पर मेरे पास ऐसा कुछ है जो हमारे जहां पना सबके चेहते श्रेष्ठ महानतम न्याय प्रिय सूर्य और चंद्रकांति के समान बलशाली। जलेबी घर पे बना, सीधा बोल। विकराल की अनंत मनोकामना पूरी करने का उपयोग है मेरे पास मित्रों। कैसा क्या है जो जहां पना विकराल के पास नहीं है? जरूर पुराना पोछे समान कालीन। यह तो जरूर नहीं है, सही फरमाया जनाब। काफी हसमुख मिजाज के आप हैं, और काफी रूपवान भी। अपनी हलवाई की दुकान कहीं और जाकर खोल घोचू, हमें बॉक्स दे और ये उपसा हुआ सा कचरा घसीटते हुए ले जा अपने गटर में। क्या? पर ये उड़ सकता है? उड़ सकता है? सुनो कहानी, ए चल कट ले। शायद आप सज्जन लोग इस बात से अनजान है कि जो भी उड़ती कालीन विकराल को प्रदान करेगा उसे फौज का सेनापति घोषित किया जाएगा। ऐसी कालीन विकराल की परम इच्छा है। अच्छा, विकराल की इच्छा सच में उड़ती कालीन सर्वोच्च स्थान पे है? हाँ, इस बात से तो मैं भी वाकिफ हूँ। तो अगर ये सच में उड़ती कालीन है और विकराल को जरा सी भी भनक लगी कि हमने इसे अंदर आने से रोका, तो हम गए खाई में। खाई नहीं, सीधा मगरमच्छ के मुंह में डालेगा। वैसे मैं तो खाई ही पसंद करूंगा। मुंह बंद कर, इसे अंदर आने देते हैं। और अगर काली नहीं उड़ पाया तो ये उड़ेगा सीधे मगरमच्छ के मुंह में, समझे? आइए आइए, तशरीफ लाइए जनाब अली। दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही बकरवा, शायद पिताजी सही थे। ना, ना। थोड़े अकड़ू जरूर हैं वो, पर उनकी याद आ रही है। अब तो कालीन भी खोदी घर भी नहीं जा सकते हैं। उस हीरे को तो बस भूल ही जाओ। कालीन ढूंढनी पड़ेगी, पर उसके लिए सुनहरी को कहाँ ढूंढे? लगता नहीं कि अब वो मिलेगी। जरा सुनिए सुनिए चाचा, क्या आपने किसी सुनहरी नाम की लड़की को देखा है? उसके बाल काले हैं। अच्छा, मैं कुछ 30 लड़कियों को जानता हूँ जिनके काले बाल और नाम सुनहरी है, तो भगवान तुम्हारा भला करें। चोर! सुनहरी! चोर चोर, हाँ हाँ ये चोर है, मुझे पता है तुमने चुराया है। अरे रुक जाओ शैतानू! फिर भाग गई, इनके बस की नहीं है। गायब हो गई। बहुत तेज है ये शहर, क्यों बकरवा?
क्या हाल भंडारी? हमारी कालीन वापस करो। मेरी शक्ल से लगता है कि मैं कालीन लेकर घूमती हूँ? दरी बेचने वाली लगती हूँ क्या? आचार डालना है क्या मुझे तुम्हारे पुराने कालीन का? तुमने हमारा कालीन चुराया है, चोर हो तुम। एक बार और बोल के तो दिखाओ, थोबड़ा बदल दूंगी मैं तुम्हारा। मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो बस उन्हीं का खाती हूँ जिनका पेट भरा हुआ होता है, समझे तुम? तो कान खोल के सुन लो, मैंने नहीं चुराया तुम्हारा वो बकवास कालीन। पर माफ कर दो हमें, हमारा वो मतलब नहीं था, हम तो बस। बस वो क्या? हमारा मतलब है वो चोरी हो गया है और तुम उनमें से एक हो जिनको उसके बारे में पता है। मुझे क्या पता कि वो उड़ता है भी या नहीं, मैंने तो उड़ते नहीं देखा। मेरे लिए तो बस वो एक पुराना कालीन है। आओ, का तुम हमारी मदद करोगी? मैं तुम्हारी मदद? हाँ तो इसमें इतने चौंकने वाली क्या बात है? दरअसल मुझसे आज तक किसी ने मदद नहीं मांगी। अच्छा, पर तुम करोगी? क्यों नहीं, मजा आएगा। कभी ना कभी तो अलग काम करना ही चाहिए। उस कालीन के बिना हम घर वापस नहीं जा पाएंगे और हीरा भी नहीं ढूंढ पाएंगे। हीरा? वो तो दाएं हाथ का खेल है, सांप तो मेरी जेब में पड़े हैं, कितना बड़ा चाहिए तुम्हें? वैसा वाला हीरा नहीं, हमारा मतलब है एक छोटी बच्ची। छोटी बच्ची? बहुत बुरा हुआ, चलो पहले कालीन तो ढूंढ ले। सही कहा, पर शुरुआत कहाँ से करें? हाँ। काफी होशियार बकरी है। हाँ, ये है गुल्लू चूहा, 100%। गुल्लू? सेनापति बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जल्दी, वरना मगरमच्छ का खाना बनने के लिए तैयार रहो। अरे किसी की तो भूख है, हमें तो जान ही निकल रही है। जब भी इनको भूख लगती है बौरा जाते हैं। हाँ, और भूख कभी कम ही नहीं होती। ये कैसा तिनके जैसा कांडी चला आ रहा है मेरी ओर? इसे तो मैं कभी ना खाऊं। क्या तुच्छ तालीम है। मेरा पसंदीदा खाना धीमी भुनी कबूतर की जीभ। जहाँ पनाह विकराल, मेरा आदर प्रणाम स्वीकार करें। भगवान आपको और आपके अनगिनत महारानियों को लंबी उम्र प्रदान करें। सूरज ढल जाए, चांद चमक जाए, पर हाँ ठीक है। मैंने आपकी एक विशेष इच्छा के बारे में सुना है जहाँपना, आपका सपना। मेरा सपना? सपना उड़ान भरने का जहाँपना। और और सुनने में ये भी आया है जहाँपना कि जो भी इंसान आपको उड़ती काली भेंट करेगा उसे आप फौज का सेनापति घोषित करेंगे। बिल्कुल सही, उड़ते कालीन के बदले कुछ तो प्रदान करना अनिवार्य है। मतलब इतना भी कठोर दिल नहीं हूँ, हालांकि जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। वैसे क्या ये कालीन मेरा बोझ उठा पाएगा? ध्यान रखो मैं एक विशाल आदमी हूँ। हाँ विशाल। चलो अब मैं शांति से अपना नाश्ता खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद देखेंगे कि ये पुराना कालीन जमीन से उठने के काबिल है कि नहीं। चलो दफा हो जाओ, मेरे मुंह में पानी आ गया है, बिल्कुल मेरे मगरमच्छों की तरह। जैसे कि तुम देख रहे हो। और खाना लाओ। बहुत मुश्किल है, आस्तीन का सांप है, वो कालीन कभी वापस नहीं करेगा। प्यार से मांगेंगे तो भी नहीं। अच्छे से बबुआ, गांव नहीं है ये तुम्हारा। स्वर्णपट है, अपनी हिफाजत अपने हाथ। माफ करना, तुम्हें अपनी खिचड़ी खुद ही पकानी होगी कद्दू। पर का तुम किसी को नहीं जानती जो हमारी मदद कर सके? एक औरत है, उसका नाम फिरोजा है, वो बहुत अच्छी है, शायद वो मदद कर सके। देखो पहले ही कह देती हूँ, ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हम उस पर। कोशिश करके देखते हैं। क्या कहती हो?
ठीक है। ज्यादा दूर नहीं। बढ़िया। तो इस गली में तांबे के कर्मचारी बैठते हैं, सही है ना? फिरोजा यहीं रहती है। वहाँ देखो वो रही। बोला जा रहा है कि मोटापे की मूर्ति चर्बी तर विकराल की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है। क्या थी उसकी इच्छा? अब हम क्या बताएं आपको, हमारे गोल मटोल महाराज का बचपन से ही एक ख्वाब था हवा में उड़ने का। अब जाके ख्वाब पूरा हुआ है उनका। हाँ, पर कैसे है ये तो बताओ। सुनने में आया है कि हमारे सुस्त राम मोटूमल के हाथ उड़ता कालीन आया है। उड़ता कालीन? हाँ, अरे गुल्लू ने दिया है उसे, गटर का चूहा कहीं का। सबसे बुरी बात ये है कि वो फौज का नया सेनापति ठहराया जाएगा। हाँ, मैंने खुद विकराल के पहरेदारों से सुना है। नहीं। तो वो सच में उड़ता कालीन है? मैं मजाक थोड़ी कर रहा था। ये बिल्कुल परियों की कहानी जैसा लग रहा है, उड़ता कालीन। मान गए भोले भंडारी, इतने बेवकूफ नहीं हो जितना मैंने सोचा था। रुको, वो गुल्लू का कालीन नहीं है। क्या? वो बंटी का कालीन है। हाँ, मतलब वो पूरी तरह हमारा नहीं पर आधा है, हमने उधार पर लिया है। या खुदा, हमने तो ये भी सुना है कि आज दोपहर में विकराल कालीन उड़ाने वाला है। नहीं, हमें उसे वापस लाना होगा। पर वो नामुमकिन है बंटी। पर चोरी छुपे महल में घुसकर वापस नहीं ला सकते? बिल्कुल नहीं, महाराज के महल में घुसने से आसान तो ऊंट की पूंछ पकड़ना है बंटी। अब हम क्या करेंगे? हर बार जीत हासिल नहीं होती भंडारी, अब चलो भी हताश मत हो। देखो, कभी कभार हार मानने में ही भलाई होती है। हाँ, कभी कभी, लेकिन इस बार नहीं। हमने वादा किया था कि उस कालीन के साथ वापस आएंगे और हीरा को भी ढूंढ कर लेकर आएंगे। एक बार जो हमने वादा कर दिया तो हम अपनी भी नहीं सुनते। वाह भोले भंडारी, तुम तो दबंग निकले। हाँ, वैसे पता ही होगा ये बच्चों के बस की बात नहीं है। अरे यहाँ बच्चा कौन है? हे, सुनो तो जरा, भोले भंडारी बना बाहुबली, मौत के मुँह में हाथ डालने वाला। तो फिर मदद करना तो बनता है, क्यों बकरवा? एक बात कहें, हम शायद आपकी मदद कर सकें। थोड़ा मुश्किल होगा पर हम विकराल के महल जाते हैं फल लेके। ढिंढोरा मत पीटो। ये लो, सबके लिए गर्मा गर्म चाय। तो उधार में ली हुई उड़ती कालीन चोरी हो गई है? परेशान करके रख दिया है इस नामुराद राक्षस विकराल ने, जो हाथ आया सीधा मुंह में। बिल्कुल सही कहा, तुम्हें किसी तरह अंदर जाके उस कालीन को वापस लाना होगा। हाँ, और हमें पता है कैसे करना है, पर बदकिस्मती से हम बकरी को नहीं ले जा सकते क्योंकि हमें मुख्य द्वार से घुसना है। वहाँ पहरेदार रहते हैं, उनकी नजर से बचना होगा। मैं उनकी नस नस से वाकिफ हूँ, पूरी तहकीकात करेंगे। हम तुम्हें टोकरी में छुपा के ले जाएंगे, कैसा लगा उपाय? बढ़िया, हमें जल्दी निकलना होगा। ओह, बहुत बढ़िया। अलविदा बकरवा, जल्दी मिलता हूँ। ओ, सब ठीक हो जाएगा, बंटी जल्दी वापस आ जाएगा। अलविदा। ख्याल रखना। फिरोजा, आप आए बाहर आई, क्या लाई है आज जहाँपना के लिए? वैसे जो भी हो, दिखने में तो कमाल है। शुक्रिया, आपने सही कहा। हाँ, वो तो है, पर हम लोगों को जांच तो करनी पड़ेगी ना। मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी जनाब? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं। देखो, हमें बस तुम्हारी टोकरी की जांच पड़ताल करनी होगी, आदेश का पालन तो करना पड़ेगा ना। अरे वाह, क्या खरबूजे हैं। शुक्रिया।
हाँ मैं बस ये वाला देख लेता हूँ, वैसे कोई शक की बात तो नहीं है। ओ, हाँ, अरे काटा मुझे। कितने मजाकिया हैं आप, आपको शायद कांटा चुभ गया होगा। आप इतने तंदुरुस्त चुस्त दुरुस्त हैं, आपको इल्म भी नहीं हुआ होगा। नहीं नहीं हमको कुछ नहीं हुआ। प्रेम कथा समाप्त हुई हो तो बता देना, विकराल जहाँ पर इंतजार कर रहे होंगे अपने कबूतरों का। ये तुम क्या सोच रहे थे बंटी, बना बनाया खेल बिगड़ जाता, तुमने उसे काटा क्यों? माफ करना, हमें गुदगुदी हो रही थी। ध्यान से जाना, कोई देख ना ले, सही सलामत घर वापस जाना है ना, अच्छे से करना बंटी। अलविदा फिरोजा, और तुम्हारा शुक्रिया। अलविदा फिरोजा, हम फिर मिलेंगे ना? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। हे ध्यान से, वाह वाह। चलो वाह, इतना आलीशान महल कभी नहीं देखा होगा तुमने, क्यों भंडारी? कभी नहीं, और तुमने? नहीं, सवाल ही नहीं, महलों की कौन सी नुमाइश होती है। वैसे तुम ठीक ही कहती हो, हम भोले भंडारी हैं। वैसे वो तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ बंटी, तुम बिल्कुल ठीक हो। सच्ची मुच्ची, इसमें तुम्हारा क्या कसूर कि तुम भाबुआ के सड़क छाप हो? वैसे वो बहुत ही शांत जगह है, वहाँ हमारी प्यारी माँ है और पिताजी भी। ओ, खुशकिस्मत हो, काश मेरे भी होते। का मतलब तुम्हारे माता पिता नहीं है? मेरा कोई परिवार नहीं है, बस हाँ एक दादू है, पर पता नहीं कहाँ रहते हैं, क्या पता हिमालय की किसी चोटी पे तपस्या कर रहे हो, उन्हें ढूंढना तो नामुमकिन है। अगर हमें कालीन मिल जाएगा ना तो हम घर चलेंगे और तुम हमारे साथ रह सकती हो। हाँ जब हमें कालीन मिल जाएगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बढ़िया, फिर हम हिमालय जाएंगे, ठीक है, तुम्हारे दादू के पास। हाँ पक्का, चलो अपना कालीन वापस ले आए। चलो हो गया, सफाई का समय। हाँ, चलो चलो फटाफट। हाँ, मैं भी आई मेरे परमेश्वर, ये लो बिल्कुल साफ। पेट भर गया मेरे चूहे का कि नहीं है? ये पापी पेट कभी भरता ही नहीं। हाँ? पर तीसरे भोजन तक मैं मामला संभाल लूंगा। ये तो बड़ा ही वजनदार था जाने मन। हाँ खैर, लेन देन तो चलता रहता है। पर ये छछुंदर का पिल्ला कहाँ चला गया मेरे कालीन के साथ? उड़ने का मन कर रहा है। मैं आया महाराज, मैं आ गया जहाँ पना महा महानतम महा। ये ना झेला जाएगा, मुंह बंद करने का क्या लोगे, कालीन पेश करो कालीन। ये लीजिए आदरणीय महाराज। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, उठाओ मुझे, मेरे पैर उठाओ, सब कुछ मैं ही करूंगा क्या? मुंह रख कहीं के, कुछ सही नहीं कर सकते। मगरमच्छ की याद आ रही है क्या? तुम जाओ। जैसे महाराज की आज्ञा। नहीं नहीं, चलो ये तो सुलट गया, अब उड़ान भरने का समय आ गया, जहाज में बैठा जाए। दुनिया का सबसे पहला उड़ने वाला महाराजा कहलाया जाऊंगा। बिल्कुल देवादी देव, आपकी सोच ही विशाल और अनंत है, तो क्या आप अपनी जिंदगी की उड़ान भरने के लिए तैयार हैं महाराज? हाँ चलो चलो उड़ान भरे। उड़ जा जादुई कालीन, उड़ जा, उड़ जा नीला, उड़ जा नीला, मैंने बोला उड़ जा।
क्या हुआ? ये कालीन उड़ता नहीं है क्या? अरे बिल्कुल उड़ता है महाराज, बस इतने विशाल शख्सियत के साथ उड़ने की आदत नहीं है ना। उड़ आलसी कालीन, विकराल का आदेश है। क्या बकवास है विद्रोही, अखंडित, इस कालीन को मगरमच्छ के सामने फेंक दो। महाराज ये कालीन है, कहीं फिर से उन मगरमच्छों को कब्ज ना हो जाए। आपके मगरमच्छ थोड़े से नाजुक हैं, विदेशी माल जो है ना महाराज। सर्वश्रेष्ठ महाराज, आप अपना भोजन शांति पूर्वक ग्रहण कर ले, तब तक मैं इस कालीन में थोड़ी अकल कूट के आता हूँ। आप चिंता ना करें महाराज, जहाँ बना सब ठीक हो जाएगा। यम यम। अभी सबक सिखाता हूँ तुझे मैं। इधर आओ। मेरे पीछे आओ। वो रहा गुल्लू तुम्हारे कालीन के साथ, जल्दी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम जादुई कालीन हो, मुझे उल्लू नहीं बना सकते। चुपचाप उड़ लो वरना इतनी तेजी से रफू चक्कर करूंगा कि खुद चक्कर के चक्कर पे आके चक्कर खा जाओगे। मैंने देखा है तुमने कैसे विकराल को छाल फेंका, ऐसी हरकत सीधा मगर के मुंह में पहुंचाएगी, पर वो मैं होने नहीं दूंगा। खजाने कितने करीब आके तो नहीं, तुझे तो उड़ा के ही रहूंगा और सेनापति बन के ही रहूंगा। बहुत हो गया लोगों के पैरों के तलवे चाटना, अब मेरी बारी है। अब देखता हूँ कि कौन गुल्लू को गटर में सीटता है। रुको रुको, भाग दो। कितना प्यारा बच्चा है, हमेशा से ऐसा ही बच्चा चाहिए था मुझे सच्ची। इस कुत्ते ने ही चोरी की है, इसे सजा मिलनी चाहिए। किसी को कोई सजा नहीं मिलेगी, इतने प्यारे लड्डू को तो मैं ही खा जाऊं। क्या शोर मचा रखा है, मेरे पापों का घड़ा क्या कम भरा जो तुम बीवियों को भी मगरमच्छ के आगे फेंक दो। कौन मिला, कितना प्यारा है, इसे अच्छे कपड़े दे देते हैं, इसे अपने पास रख लेते हैं। जहाँ पना, इस लड़के ने आपका कालीन चुराने की कोशिश की है। क्या कह रहे हो तुम? जहाँ पना, इस लड़के ने आपका कालीन चुराने की कोशिश की है। पहली बार में ही सुनाई दे दिया था। ये बकवास बंद करो, मेरे काम चल रहे हैं। इसे देखभाल की जरूरत है, देखो ना कितना उदास है। बकरे की बात, इसे दूध से नहला देंगे फिर बहुत चमकेगा। रिंकी को जू नहीं दिख रही? जू? इसके सर में जू है। जू है, चलो यहां से कल मुंह है। नहीं नहीं, जू नहीं। हाय की हो गया। तो तुम मेरा कालीन चुराना चाहते हो? नाली के कीड़े। मैं कीड़ा नहीं हूँ। क्या तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे तू तड़ाक करेगा? गटर की औलाद, मैं महाराणा विकराल प्रताप, अशोक चंद्र गुप्त मौर्य, चौहान, राजा चोला, रंजीत, हर्षवर्धन, हेमचंद्र, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त भोसले, पहरेदारों फेंक दो इसे मगरमच्छ के आगे। रुको 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 रुको, क्या कहा तूने? मुझसे तू तलाक करना सबका शौक है क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं महाराज, बस फिलहाल के लिए क्या इसे जेल में नहीं फेंक सकते हैं? किस खुशी में? भोलेनाथ की कसम, मेरे मगरमच्छ भूखे नहीं मरेंगे।
नहीं, पर महाराज ऐसा है कि फिलहाल सिर्फ ये ही है जिसे कालीन को उड़ाना आता है, इसीलिए। क्या बकवास है। ठीक है, पहले इसे काल कोठरी में फेंक दो, बाद में मगरमच्छों की पेट पूजा। छोड़ दो हमें, हमने कुछ नहीं किया है, वो हमारा कालीन है, गुल्लू ने हमसे चुराया है। ये काफी दिलचस्प कहानी है, कभी फुर्सत मिलेगी तो मैं जरूर सुनूंगा। तो जरा देखो किसने दस्तक दी है, फिर आ गए अपना शोर शराबा लेके, आ गए सब कुछ फिर से गुड़ गोबर करने। वैसे यम 10 साल से ऊपर हो चुके हैं तुम्हें कोई कैदी लाए हुए। हाँ, जब से विकराल ने मगरमच्छों को अपना दोस्त बनाया है तुम्हारी दुकान पे ग्राहक आने तो बंद ही हो गए। ठीक है, दुकान खोल ही लेता हूँ मैं। 7 नंबर में फेंको इसे, ज्यादा वक्त नहीं हुआ उसकी सफाई किए हुए। खुशी से अब जेल की हवा खा। समझ नहीं आ रहा क्या करें, हमने सब बर्बाद कर दिया है, हम माता पिता के पास वापस कैसे जाएंगे। पता नहीं वो हमें याद करते भी होंगे या नहीं। ये लीजिए। आज भी पानी, कल भी पानी, परसों भी पानी, दूध की बड़ी याद आती है। दूध है ही ऐसी चीज पर का सिर्फ बकरवा की याद आती है। मंडी के बगैर सब सुना सुना लागत है, ऐसा लगता है वो यहाँ था ही नहीं। ध्यान से बंसी, और ज्यादा प्यार ना हो जाए तुमसे। काहिल चाचा का क्या होगा, हीरा भी नहीं मिली, और सुनहरी का क्या होगा। वाह, नहीं, हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, हमें यहाँ से निकलना होगा। कालीन को डरा के कोई फायदा नहीं है, काली मैया की कसम मुझे सेनापति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब बस एक ही रास्ता बचा है, वो बेवकूफ लड़का, उससे ही ये कालीन उड़ाना आता है। और तू चल मेरे साथ, भागने की कोशिश भी मत करना, समझे। हमें बाहर निकालो, बाहर निकालो, हमने कुछ गलत नहीं किया है, बाहर निकालो। सारे बेकसूरी आते हैं यहाँ पे तो। निकालो हमें, चल। कोई है, हमें बाहर निकालो, मदद करो। ओ, शेर मार। बाहर निकालो यहाँ से। ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा, इस जेल में तो बहुत सारी ढीली ईंटें होंगी ना। हो गया काम, बाहुबली बंटी बोलो आजादी। ओहो, चलो दोबारा। एक मिनट, हमें बाहर निकालिए, हम बेकसूर हैं। बंटी, ये आखिर हो क्या रहा है, तुम 8 नंबर में कैसे, मैंने तो तुम्हें 7 नंबर में फेंका था ना। ये बात है। यह नंबर 7। नमस्ते, हमें बाहर निकाल रहे हैं। ये हो क्या रहा है, यहाँ 2 लड़के कैसे, आया तो एक ही था।
नमस्ते नमस्ते। इधर देखता हूँ जरा। नहीं। नमस्ते। कौन है ये, क्या है? कछु गड़बड़ है का? नहीं नहीं, बस थोड़ा दिमाग खराब हो रहा मेरा। ये 8 नंबर वाला लड़का बिल्कुल तुम्हारी शक्ल का है, हूबहू तुम्हारे जैसा। अच्छा, कोई गली का बच्चा होगा। 2 वक्त की रोटी और सर पर छत हर किसी को नसीब नहीं होती, ऐसा सुना है हमने। ऐसा क्या? मैंने तो ऐसा कुछ देखा सुना नहीं। शायद मुझे अब बाहर निकल के लोगों को देखने की जरूरत है। बस कुछ ही दिनों में सारे जेल खाने भूखे नंगे बच्चों से भर जाएंगे। क्या चिल्लम चिल्ली होगी यहाँ पर, परेशान करके रख देंगे आपको। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, तुम देखो मैं क्या करता हूँ। चल यहाँ से बाहर निकल लुटेरे, और अपने बाकी के लुटेरे दोस्तों को जाके पता देना कि मुझे ठगना इतना आसान नहीं है। अरे चल जा। देखा बच्चे, मेरा रुतबा कितना भारी है। बच्चे लड़के, ये तो भाग गया, मुझे बेवकूफ बना के दूसरे को भी अपने साथ ले गया। हाँ ये तो हाथ धो गए। ऐसा लग ही रहा था कि आज सूरज पश्चिम से उगा है। चलो जल्दी, सीढ़ियां उतरना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बस सही कदम उठाओ और आगे बढ़ो। पर मेरे तो दोनों कदम सही ही पड़ते हैं। कहावत है ये। अच्छा समझे, अरे इसका मतलब है अपना पिछवाड़ा आगे बढ़ाओ। कोशिश भी क्यों करता हूँ मैं। चलो चले। अरे तुम कनो छोड़ो, उसे जाके पकड़ो। बंटी तुम जिंदा हो, मुझे लगा। कितनी खुशी हो रही है तुम्हें देखकर। मैं कालीन भी मिल गया। हाँ इस तरफ। अच्छू नीला, सुनहरी कूदो। नहीं, यहाँ से निकलते जा रहे हैं। सारे दरवाजे बंद कर दो अभी। अब बोलो कौन है शिकार और कौन शिकारी। मैं ना कहती थी। अरे नहीं है, वो गुल्लू ने झूठ बोला था। चुप रहो, यही उड़कर आए थे। बार बार निकलो, यहाँ आदमी नहीं घुस सकते। दबोच लो उन बच्चों को, विकराल का आदेश है। चलो बाहर निकलो। इस तरह दरवाजा, उसके पीछे भागो। चलो भागो। Oh!
ये क्या था? ये क्या हो रहा है? ये निकम्मा तो काल कोठरी में था, ये मेरे कालीन के साथ क्या कर रहा है? जाओ पकड़ो उसे। वो दरवाजा बंद करो निकम्मो। मेरा खाना। असली चोर तो गुल्लू है, उसने हमारा कालीन चुराया, इसलिए उसे उड़ना नहीं आता। हाँ, इसी ने चुराया था, इसने चुराया था कि ये आपका सेनापति बन सके। तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई फर्क पड़ता है ये कालीन किसका था पहले? अब ये है मेरा और मेरा ही रहेगा। आप किसी की चीज हड़प नहीं सकते हैं। ओ अच्छा, ऐसा क्या? फिर तो ये दिलचस्प बात है, क्योंकि मैं तो वही करने वाला था। पर हाँ, दिल का मैं इतना बुरा नहीं, तुम्हें कुछ देना चाहूंगा, तुम्हारी प्रेमिका को मगरमच्छों का साथ। नहीं रुको, छोड़ो मुझे, रुको, छोड़ो। देखो मुझे। आप जानते हैं कि इस कालीन को सिर्फ हम ही उड़ा सकते हैं, है ना? हम इसे उड़ाने के लिए तैयार हैं, अगर आप सुनहरी को छोड़ देंगे, मंजूर? हाँ ठीक है, मंजूर है, पहले कालीन उड़ाना सिखाओ, फिर लड़की को आजाद कर देंगे। नहीं बंटी, नहीं, पहले हथियार नीचे रखो। हमें कालीन को उड़ाने के लिए बाहर जाना होगा, हम नहीं चाहते कि आपका सिर दीवारों पर टकरा जाए और आपको कुछ हो जाए। हाँ ठीक है। Nonsense, boo. नीलाक जाराम ओक सलाक अनरक एह। जहाँ बना तोहफा कबूल करे और तशरीफ यहाँ रखे। मेरे साथ कोई सहयोगी भी चलना चाहिए। मैं चल सकता हूँ। नहीं नहीं, तुम नहीं, तुमने मुझे अगवा कर लिया, तो कल पैदा नहीं हुआ हूँ मैं। गुल्लू चलेगा? हाँ ठीक है। आइए। जी बिल्कुल। बढ़िया, अब हम तैयार हैं। कुर्सी की पेटी बांध ले अजदू। नीलाक मैं उड़ सकता हूँ, देखो मैं उड़ रहा हूँ। सेनापति बहुत बढ़िया, सेनापति चलिए जरा घूम के आते। जी बिल्कुल, जहाँ पना चिंता मत करिए, हम जल्द ही वापस आ जाएंगे, मगरमच्छ को नाश्ता खिलाने आ ही जाएंगे। इबा नीलाक, इबा, इबा। नहीं 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 मुझे नीचे उतारो, रोको इसे। अच्छा अच्छा ठीक है, नीचे आना है। हमारी बात सुनो नीला, मच मगर। ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा हमारे साथ। नीलाक, इबा। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे भागो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, पीछे आ रहे हैं, भागो भागो।
शाबाश शाबाश, चलो सेनापति, बहुत अच्छे, दौड़ो दौड़ो और तेज, चलो 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 चलो। सुनहरी, चलो दूर हटो। नहीं, इसे जाने दो। ये तो मगरमच्छ का खाना है, महाराज का आदेश है। कौन महाराज? कोई महाराज नहीं है, अब तुम जो चाहो कर सकते हो। पर आदेश लेना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, तुम जो चाहो कर सकते हो, ये हमारा आदेश है। चरवाहा का नौकरी सही रहेगा, हम तो बर्फ का गोला बनाऊंगा, दुकान लगाऊंगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे सुनहरा दिन है, आखिरकार मैं अपना बागीचा उगाऊंगा। अब तुम सब आजाद हो और जो चाहो कर सकते हो, ठीक है, जैसा कि होना चाहिए। चलो अब अलविदा कहने का समय आ गया, चले। वो अलविदा अलविदा अलविदा, बहुत अच्छा ख्याल रखा है, तुम बहुत खुश रहोगे। वाह, कितना सुंदर है स्वर्ण पात्र का अनोखा बर्तन, बढ़िया। ओह, वो रहे, हम आ गए। ओह बकरवा, ओह तुम्हारी बहुत याद आई। तुमने तो कमाल ही कर दिया बंटी। सच में तुमने तो कमाल कर दिया। ओहो, पर हम हीरा को नहीं ढूंढ पाए। कहा हीरा? मेरे दादू मुझे बचपन से हीरा ही बुलाते थे, उन्हें तो याद भी नहीं होगा मेरा नाम सुनहरी है। तो तुम्हें शुरुआत से पता था? हाँ बिल्कुल, सारे पास से एक साथ थोड़ी ना फेंकूंगी मैं, वरना भंडारी की कद्दू जैसी शक्ल कैसे देख पाती। तो तुम हमारे साथ आ रही हो ना? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है भंडारी। हाँ, अलविदा दोस्तों, अलविदा, अलविदा। बताओ कजो और नोचा मरगम नेम का क्या मतलब है? हमने कालीन से उल्टा बोला था, हम इससे ऐसी ही बात करते हैं। हमने इससे कहा कि महाराज को मगरमच्छों के पास छोड़ दो। मतलब सिर्फ गोबर ही नहीं, थोड़ा भूसा भी भरा है दिमाग में। देखो हमारा गांव कितना सुंदर है। काहिल चाचा। बच्चे, कालीन और मेरी हीरा, कितने बड़े हो गए मेरी हीरा। दादू, ओह, मुझे तुम्हारी कितनी याद आई मेरी प्यारी छुटकन हीरा। हीरा माफ कर देना, मैं तुम्हें वहाँ अकेला छोड़ आया था। आपके हाथों में नहीं था दादू, और वैसे भी मगरमच्छ के निगले हुए दादू के साथ आखिर मजा क्या था। कितना अच्छा लग रहा है आखिर का सब साथ में है। तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है बंटी बेटा, मुझे नाज है मेरे बहादुर बेटे पे। हाँ, इसे कहते हैं हमारी असली दुनिया। उजता नीला, ठीक तो है दादू।